हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं प्रेशर कुकर में बनाने वाली हूँ सोयाबीन बिरयानी। तो आज की रेसिपी बहुत ही स्पेशल है। प्रेशर कुकर में आप झटपट बिरयानी कैसे बना सकते हैं, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये बहुत परफेक्ट और बहुत अच्छा बनने वाला है, आप एक बार ज़रूर इसे ट्राई करें। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं सोयाबीन को डाल रही हूँ गर्म पानी में, भिगो के कम से कम 15 मिनट के लिए मैं छोड़ूंगी। अब मैं यहाँ ले रही हूँ एक कप दही, डाल रही हूँ जीरा एक चम्मच के लगभग, धनिया की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होगी, लाल तीखी मिर्च, बिरयानी मसाला, काश्मीरी लाल मिर्च, नमक, हल्दी, साथ में काली मिर्च, और इन सभी को मैं अच्छे से मिलाऊंगी। मसाले मिल जाने के बाद मैं यहाँ पे सोयाबीन को डाल रही हूँ। सोयाबीन में जितने भी पानी थे मैंने उसे अच्छे से निचोड़ के निकाल लिए हैं और मैं इसे यहाँ डाल रही हूँ। मैं इसमें डाल रही हूँ एक कटा हुआ आलू, साथ में गाजर और एक कटा हुआ शिमला मिर्च, 5 हरी मिर्च, साथ में मैं यहाँ डाल रही हूँ कुछ धनिया के पत्ते और पुदीना के पत्ते, और इन सभी को अच्छे से मैरिनेट करना है और इसे हम 10 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ेंगे। यहाँ प्रेशर कुकर में रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ कप के लगभग है। इसमें मैं डाल रही हूँ जीरा, 2 तेज पत्ते, साथ में कुछ खड़े गरम मसाले, दो कटा हुआ प्याज और इसे हम हल्का ब्राउन करेंगे। अब मैं यहाँ डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे डाल के हम अच्छे से भूनेंगे। अब मैं इसमें 2 टमाटर की प्यूरी डाल रही हूँ। साथ में थोड़ा सा नमक मैं इसमें डाल रही हूँ। जो हमने मैरिनेट करके सोयाबीन को रखा था उसे मैं डाल रही हूँ और डाल के इसे अच्छे से भुनेंगे हम। थोड़ा सा पानी और डाल के मैं इसे भून रही हूँ। बिल्कुल अच्छे से भून चुका है। अब हम गैस का फ्लेम बंद करेंगे और इसमें हम चावल डालेंगे। चावल को मैंने आधा घंटा पहले ही भिगो के अच्छे से रख दिया है और उसे ही मैं डाल रही हूँ। चावल पकाने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि
हम बिरयानी प्रेशर कुकर में ही बनाने वाले हैं। इसमें डाल रही हूँ कटे हुए धनिया पत्ता, मैं इसमें डाल रही हूँ फ्राई किए हुए प्याज, पुदीना के पत्ते, इसकी क्वांटिटी मैंने थोड़ी ज़्यादा ली है। यहाँ मैं 2 चम्मच के लगभग घी डाल रही हूँ, 1 कप दूध, अब मैं इसमें पानी डालूंगी। पानी की क्वांटिटी आपको ध्यान रखना है, इतना चावल इसमें है उससे 1 इंच ऊपर ही आपको पानी की क्वांटिटी लेनी है। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, इसे थोड़ा सा इस तरीके से हम चलाएंगे। उसके बाद आपको ढक्कन लगा के इसे आपको 1 सीटी लगानी है, और उसके बाद ध्यान रहे आप इसे खोले नहीं तब तक कि ये खुद ठंडा ना हो, तब तक आप इसे बिल्कुल ना खोले। देखिए कितने खिले खिले बिरयानी हमारे प्रेशर कुकर में ही बन चुके हैं। आप अपने घर में बिल्कुल झटपट इसे तैयार कर सकते हैं, चावल भी बहुत अच्छे से पक चुका है। तो चलिए इसे हम किसी बर्तन में निकाल लेते हैं। ये हमारी रेसिपी बिल्कुल बनके तैयार है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे हमारी इसी तरह रेसिपी आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली रेसिपी के साथ। थैंक यू।